हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार, और आज का वीडियो जो है वो इंटर लेवल नागपुरी परीक्षा जो भी आगामी होने वाली है, चाहे वो सहायक आचार्य 125 हो, एलडीसी हो, या फिर जो भी आगे आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं इंटर लेवल के, उसमें आपको बनफूल पढ़ना है। तो बनफूले में एक कहानी है, सोना कर केस, नागपुरी कहानी है। उसी कहानी को आपके सामने रखा जा रहा है हिंदी भावार्थ के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सोना कर केस, देखिए सोना कर केस की जो प्रस्तुति, यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रस्तुति, इसको प्रस्तुत किया गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्र के द्वारा। ठीक है, ये लोक कथाओं में से एक है जिसको नाटक का रूप देकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जो बनफूल भाग एक में आपको पढ़ना है। ठीक है, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। बात ढेर दिन पहले कर है, एक ठो राज्य कर गोटे गांव में दू ठो बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे। ऊ मन कर बड़की आड़ा लखे दू ठो बेटा रहे, बड़ कर नाम रहे झगरू और छोटका कर नाम रहे मंगरू। दुयो भाई रहे बड़ा तीरंदाज, बड़का बेटा तनी सयाने रहे और छोटका हो रहे चरवाहा लखे। दुयो शिकार खेलक में बड़ा उस्ताद रहे, उमन रोज दिन लांभा कोटरा हरिन मन के मायर के लानत रहे। संगे लेते आवे तनी मनी काठी झुरी, घर आवे तो माए बाप बड़ा खुश होवे। कहियो कहियो तीनों बाप बेटा जाए शिकार खेलक, दिन भर बने बन ढपई चलाएं, तब जाके पेट भरे कर जुगुत बैठाएं। तो यहां से यहां तक का हम मीनिंग आपको बतला दे रहे हैं। कहा जा रहा है बहुत पहले की बात है, एक ठो राज्य था, उसमें एक गांव था, उसमें दो गो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। उनका पड़की अंडा, पड़की का मतलब होता है एक पंछी, पंछी का जो अंडा होता है ना, पक्षी हुआ तो उसका जो अंडा होता है छोटा सा, तो वही छोटा सा अंडा की तरह दो ठो बूढ़ा बूढ़ी का बेटा था। एक का नाम था झगरू और एक का नाम था छोटकावा, जो था बड़कावा का नाम था झगरू और छोटका का नाम था मंगरू। ठीक है, दुयो भाई रहे बड़ा तीरंदाज। देखिए हम लोगों में क्या होता है ना कि जंगल के उत्पाद को ही हम लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, दैनिक जीवन में यूटिलाइज करते हैं, समझिए मेरे बात को। जंगल चल गए, वहीं से पत्तुर उतुर को बीज के लाए, उसी से पत्तल सखुआ पत्ती सबका पत्तल बनता है, दोना बनता है, दतुन बनता है। ठीक है, नहीं तो फिर तीरंदाजी करता है लोग। ठीक है, तो दोनों बेटा लोग ना तीरंदाज था, बड़का बेटा तनी सयाने रहे मतलब बड़ा था, और छोटका रहे चरवाहा लखे, चरवाहा मतलब छोटा बच्चा लोग को ना पहले गाय गरु छगरी पटरू सबको चराने के लिए भेज दिया जाता है। तो छोटका बहुत छोटे था, समझ कम था। ठीक है, दुयो शिकार खेलने में बहुत उस्ताद थे, उन लोग रोज लांभा कोटरा हरिन सबको मार के लानते थे गाँव से। ठीक है, और उसी का शिकार बना के खाना वाना खाते थे। और काठी झुरी, काठी झुरी मतलब होता है पेड़ से जो काठी होता है ना, काठी, काठिये से जलता है चूल्हा, झुरी, झुरी मतलब पतला पतला जो होता है ना सुखल, उसी को झुरी कहते हैं। तो काठी झुरी सबको लेके आते थे, तो उससे से बनाते थे, पकाते थे, खाते, ये सब लेके आते तो घर में उसका माँ बाप बहुत खुश होते थे। कहियो कहियो माँ सॉरी बेटा और दोनों बाप लोग यानी कि तीनों जो होता है ना उन लोग चल जाता था, और दिन भर ढपई चलाएं, ढपई चलाएं का मतलब होता है इधर उधर होते रहना, उसी को कहते हैं ढपंग चलाएं। यहाँ पर जो ढपंग चलाएं लिखल है ना, उसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, दिन भर इधर उधर भटकना, भटकना को ही ढपंग चलाएं बोला जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब जाके पेट भरे कर जुगुत बैठाएं, जुगुत मतलब कि पेट भरने का उपाय होता था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। समय बीतते लागलक मुदा नी बीतल बीतलक, ऊ मन कर दुख कर घड़ी। समय बीतता गया लेकिन उन लोग का जो दुख है उसका घड़ी खत्म नहीं हुआ। एक दिन लहला रौद सेकत रहे, दिन भर भूखे प्यासे दोनों दो दिन से खाली पेटे शिकार कर खोज में बन कर छाइन मार चलना है। मुदा जाने से दिन कोनो करिया बदरी ई मन किस्मत के ढाक दे रहे, जे गोटे चरइयों मारक निपार लें, दोनों छुआ तो रौदे कर मार के सही ले लें। देखिए इस यहाँ का मीनिंग हम बतला दे रहे हैं कि लहलह दोपहरिया, रौद मतलब क्या होता है, रौद का मतलब होता है धूप। ठीक है, रौद का मतलब क्या होता है धूप, धूप सेक रहा था, भूखे प्यासे दो दिन से इन लोग भटक रहा था। अब जंगलों में सब शिकार नहीं ना मिलता है, ठीक है, तो छाइन मारा लेकिन इन लोग को कुछ मिला नहीं, और किस तरह का इन लोग का किस्मत खराब था, कहा जाता करिया बदरी ढाप, करिया मतलब कि काला बादल ढाप दिया है इन लोग का किस्मत में। ठीक है, गोट चरइयों ने मारने से काय इन लोग, दुयो छुआ तो रौद कर मार के सह ले लें, दोनों बच्चा जो है ना धूप को सह लिया। मुदा, मुदा का मतलब होता है लेकिन, बाप हर के जाने कौन ठीन रौद मार दिलक कि उ घर घूरते घूरते जर से हफसेक लागलक, और बिहान होतले ओकर बोली लड़बड़ाई लागलक,
तब उ बेटा मन के बुलाए के कहलक, मोई घर कर फालना कोना में दुई गो गगरा गाइड हो, जेकर में रुपया है, मारल शिकार के बेच के मोई कमाए रहूं, तोहरे दुयो भाई बांट लेवा। फिर बड़का बेटा से कहलक, तोर छोट भाई एकन लुरगर नखे, तोय एकर और माय अपन कर ध्यान रख दे। इतना कह के बाप हर सड़क सिधाई गेलक। तो यहां से यहां तक हम आपको मीनिंग बता दे रहे हैं, बाप हर के मतलब कि उनके पिता को, दोनों बेटा लोग तो धूप को सह लिया, रौद को सह लिया, लेकिन बेटा जो है ना, सॉरी बाबूजी जो है, उनको कहीं पर धूप मार दिया और धूप मारने के से लौटने वो हाफसेप लाग लग, माने हाफनी हो गया उनको, और बोली जो है वो लड़बड़ाने लग गया। तब वो बेटा मन के बुलाए के कहलक, मेरा बेटा लोग को बुला के कहते हैं कि मैं घर कर फलना कोना, फलना कोना मतलब किसी कोना का नाम दिया गया, हम लोग बोला जाता है फलना चिलना, ऐसे करके बोला जाता है, माने कि फलना का मतलब आप कैसे कहिएगा कि किसी जगह, ठीक है, किसी कोना में दू को गगरा गाड़ दिए हैं, जिसमें रुपया है, जो मारल शिकार, पहले शिकार मारता था ना ये लोग सब मिलके, तो उसको बेचता था, उससे जो पैसा होता था उसको एक ठो गगरा में जमा करता था, उसी गगरा को कोना कोना में गाड़ दिया था, दू ठो गगरा था। और बाप जो है बेटा को बोलता है, बड़का को, कि तुम समझदार हो, ठीक है, तुम छोटा भाई का ध्यान रखना, क्या कि छोटा भाई अभी लुरगर न के, लुरगर का मतलब होता है कि उतना बुद्धि नहीं है, उतना समझदार नहीं है, ठीक है, इसका और माँ का तुम ध्यान रखना। इतना कह के पिता है उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है, थोड़े दिन तक तो जगरू और मंगरू बने बन बोल शिकायत मायर के खालाए और मायो अपन के खिलालाए, मुदा जगरू सोचलक, मोर आबा तो मोर गलक, मुदा गाड़ल धन के निकालियो नहीं पारलक, ठीक है। अब यहां से यहां तक का हम मीनिंग बता दे रहे हैं, थोड़ा दिन जो होता है ना, उन लोग फिर से शिकार उकार बने बन भूला, ठीक है, शिकार मारा खाया, लेकिन बड़कावा जो है ना झगरू, बड़का का नाम है झगरू और छोटका का नाम है मंगरू, तो झगरू जो है ना वो सोचता है कि मेरा पिताजी तो मर गया लेकिन जो गड़ा हुआ धन था उसको निकालने भी नहीं सका, ठीक है। आगे है, इसने हमरों एक दिन मर जा, और बड़कावा देखिए दिमाग लगा रहा है कि हम लोग भी इसी दिन मर जाएंगे और धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोच रहा है। आगे से बुद्धिमानी एकरे में है कि हमरे उदान के पोड़ बहराए और कोनो काम करी। इतना सोच के झगरू बाप हर बताल गढ़ा के कोड़लक और एक ठो गगरा कर रुपया के निकलाए के ओकर में पखना भर दिलक और ऊपरे मुखा में थोड़े रुपया राख दिलक, बाकी रुपया के लुकाए दिलक। ओकर छोटका भाई जे अब सयान हो चल रहे और एकलाए शिकार करे जाए रहे, जब घर घुरलक तो ओकर से कहलक, रे मंगरू, मोय दुयो गगरा के फोड़ निकाइल हो, जे भारी बुझाएला से के तुई छाइट ले, तुई छोट हकीस से तेहे तोके छाटे के मौका देवत हो। देखिए यहाँ पर बड़कवा जो है ना बुद्धिमानी दिखाया, का कर रहा है कि पहले से गगरी को फोड़ लिया, उसको निकाला, उसमें जितना रुपया था ना उसको निकाल लिया और रुपया के जगह पे पत्थर, पखना का मतलब क्या होता है, पखना भर दिलक मतलब कि पत्थर भर दिया उसमें, ढेला पत्थर को भर दिया और उसका मुंह में मुखा, ऊपरे मुखा मतलब कि जैसे कि गगरी है ना, तो गगरी का आधा में का किया ना कि यहां तक भर दिया ढेला और यहां पर थोड़ा सा पैसा को भर दिया, ठीक है। और छोटकावा भाईवा कहता का है कि देखो रे मंगरू, तुन्नो गगरा को फोड़ के हम निकाले हैं, जो भारी लगता है उठाने में ना उसको तुम रख लो, काहे काहे कि तुम छोटा है ना, तो हम तुमको मौका दे रहे हैं, दोनों को उठा के देखो कि कौन भारी है, और जो भारी है उसको तुम रख लो, भारी है मतलब कि पैसा ज्यादा होगा, ऐसा सोच के ऐसे करके बोला, ठीक है। अब आगे है, छोटका भाई बड़ा खुश हो रहा कि मोर भाई कितना बेस है जे मोके ऐसन कहत है, वो दुयो गगरा के तुलई ताकलक और जे भारी बुझालक सके लेलक। तो इसका मतलब हम बतलाते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई से बहुत प्रसन्न हुआ, सोचा कि देखो मेरा बड़ा भाई मेरा कितना ख्याल रखता है, ठीक है, तो खुश होके गगरा को तुलंगा, तुलंगना का मतलब क्या होता है ना कि नीचे कोई चीज रखल है उसको आप उठाइएगा दोनों हाथ से, अपना पेट तक उठाता है लोग तो उसी को कहते हैं तुलंगना, ठीक है ना, बोझा है तो कैसे उठाते हैं, जैसे सिलेंडर इस सबको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके उठाते हैं दोनों हाथ को पकड़ के, तो उसी को कहते हैं तुलंगना, तो उसी को बोल रहा है तुलंग ताखलक और जो भारी था उसको ले लिया छोटकावा। अब आगा है कि रुपया बांटा होवल बाद झगरू छोट भाई और माए के छोड़ के गगरा कर रुपया लेके कमाए खाए के निकल पड़लक, जेखन जाए के लागलक सेखन पाछे पाछे छोटा भाई कूदलक, तो झगरू घुड़की देलक, भागत हिस्की नहीं मोर पीछे आले हल मार के मोराइये देबू, और डहर कर पखना मन के बीच के ओकर दने लेपदायक लागलक। अब क्या हुआ कि
बड़कवा जो है पैसा तो ले लिया, उसके पास ढेर पैसा हो गया, तो अब वो ना घर छोड़ के चल गया। और पीछे पीछे छोटका भाई जब उसके आने लग गया ना, तो उसको घुड़की दिया, मतलब कि धमकाने लगा कि भागता है कि नहीं यहाँ पर से, मेरे पीछे पीछे आया ना तो मार के मोराइये देंगे। और डहर का जब पत्थर उथल था ना, उसको बीच के मतलब कि उसको चुन के ऊपर तन मतलब कि छोटका भाई की तरफ लेपदायक लाग लग, लेपदायक मतलब कि ढेला फेंक के मारने लग गया उसको, ताकि छोटकवा भाग जाए, उसी को कहते हैं लेपदाना। लेपदाना मतलब फेंकना, समझ रहे मेरी बात को? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छुआ डहरे छीन बैठ के कांधे के लाग लग, कहा करे बेचरंगा, बाप आगुए मुर जाए रहे, माए काठी लाने जाए रहे, दुई दिन पहले हैं शेकर घूरक कोनो ठेकान नहीं रहे, कहा जानी कोनो जंगली जानवर मन खाए दे रहे थी का तब, बेचरंगा छुआ कहाँ जाए, गोटेक भाई रहे सोहो आई छोड़ के चल दलक, समय सबके सिखापन दे देवेला, जेकर जन्म इ दुनिया में होय है ओके कन्हो नी कहो जिये खाए के डहर फेटाइए जाएला, सोचलक देख ताको ना तो गगरा में कितना रुपया है। तो यहाँ पर का हम मीनिंग आपको बता देते हैं कि छोटकावा जो है अब क्या करेगा बेचारा, रास्ते में बैठ के रोने लग गया, ठीक है। उसका पिता जो था पहले ही मर चुके थे, और माँ जो थी ना वो काठी लाने गई थी लेकिन वापस नहीं आई थी, हो सकता है जंगली जानवर लोग उसको खा गया होगा, ठीक है। तो बेचरंगा छुआ बेचारा बच्चा जो है अब जाए भी तो कहाँ जाए, अब भाई भी जो है उसको छोड़ के जा रहा है। तो इसमें देखिए शिक्षा दे रहे हैं कि समय जो है ना सबको सिखा देता है, ठीक है। जो इस दुनिया में जन्म लिया है ना उसको जीने खाने का कुछ ना कुछ डहर मिल ही जाता है, मतलब जीने खाने का कोई ना कोई जुगाड़ हो, खाए के डहर भेटाइए जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, खाने का जीने का ऊपर वाला ना दे देता है, जुगाड़ दे देता है। तो छोटकावा है ना सोचता है कि देखते हैं गगरा में कितना पैसा है, काहे कि तो गगरा को उठाया तो लंग के देखा भारी है तो उसको रख लिया, लेकिन उसको तो देखा नहीं था कि उसमें कितना कांचा रुपया है, ठीक है। आगे है, घर जाए के मंगरू गगरा के उझलक, तो ऊपरे तनी कुन रुपया रहे, नीचे छुछा पखना और बाला, अब छुआ का करे कहाँ जाए, उके बुझाए नहीं लागलक, मुदा सोचलक कि ठावे रहे के का फायदा, जहां भाई ले जाए तहां चलिए जाए चाहिए। तब क्या यहाँ पर क्या हुआ कि छोटकवा जो है घर जाके देखता है गगरी को उझल के, तो उसमें देखता है कि ऊपर थोड़ा सा पैसा है और नीचे जो है बाला और पखना मतलब कि पत्थर जो है वही है, ठीक है। तो अब वो बेचारा करे तो करे का, तो ये सोचा ना कि चलो भाई भाग्य हमको जहां ले जाएगा वहां चलते हैं, इस जगह पर रह के अब हमको का फायदा है। अब आगे है, कुछ चलक शुरू कर लक, चलते चलते वो एक ठो राजा कर घर में पहुंच लक, और छगरी कोठरी में ढुक गेलक, घंगरीन बुढ़िया बढ़राए डुबलक, तो देखलक कि एगो छोड़ा कोना में दबरल है, बुढ़िया जाए के राजा के बताए दिलक, राजा उ छोड़ा के बुलवाए भेजलक, राजा के पूछल से छोड़ा अपन सब हाल बिपई कह सुनालक, राजा के माया लाइक गेलक, और उ छोड़ा के छगरी चरवाहा राख लेलक, आप उके सब छेरिया कुंवर छेरिया कुंवर कह के हकाए लागलक। तो यहाँ का मतलब हम आपको बतला दे रहे हैं कि लड़का जो है वो चलना शुरू किया और एक ठो राजा के यहाँ पहुंचा, और छगरी कोठरी होता है, छगरी कोठरी या फिर देखिए गाय गरु का भी कोठरी होता है, उसको हम लोग कभी कभी ना गुहार घर गौशाला ऐसे बोलते हैं, तो छगरी के लिए भी अलग कोठरी, अब राजा का है तो भाई छगरी कोठरी अलग होगा, बैल का अलग होगा, गाय का अलग होगा, है ना। तो छगरी कोठरी में ढुक गया, ढुकना मतलब कि अंदर चला गया, अंदर प्रवेश कर गया, और जब जब सुबह जो है ना धंगरीन बुढ़िया आई बढ़राने, बढ़राने मतलब कि झाड़ू बहारू करता है लोग ना, तो वही बढ़राने के लिए जब अंदर घुसी तो देखती है कि एक छोड़ा कोना में ना दबरल है, मैंने दुबका हुआ है, दबर के बैठल है मतलब कि दुबक के बैठा हुआ है। तो बुढ़िया ना उसको जाने के लिए बोलती है, लेकिन राजा उछोड़ा के बुलाए भेजलक, राजा को बुढ़िया जाके बतला देती है कि देखो भाई छगरी कोठरी में एक ठो छुआ इस तरह से दुबरा के बैठे, छोटा सा बच्चे होगा, है ना। तो राजा सब पूछा तो छोड़ा अपना सब हाल को बता दिया, तो राजा जो है अपना अपना उसको छगरी चरवाहा रख लिया, ठीक है, और उसको सबको छेरिया कुंवर नाम से जानने लग गया। किसको? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, छेरिया कुंवर के रहे, ठीक है, तो मंगरू रहे छेरिया कुंवर, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? बड़कवा का नाम था झगरू, छोटका का नाम था मंगरू, तो मंगरुए को अब लोग छेरिया कुंवर कहता था, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छेरिया कुंवर अपन चरवाहा ठेंगा में चिन्ह बनाए बना के सब छोबरी मनक के हिसाब रखत रहे कि कै गो छगरी हैं। एक दिन उ ठेंगा ऊपरे राजा का नजर पड़लक, तो राजा पूछलन केकर ठेंगा हके, तो छेरिया कुंवर कहलक मोर ठेंगा जुन हके, तो राजा साहब कहलाए एकर में का चिन्ह बनाए हिस, तो छेरिया कुंवर बतालक
एकर में कैठ छगरी आहा सेकर चिन्हा जुन बनाए हो। तो राजा छरिया कुमार कर बात देख सुन के बड़ा खुश होलक और उके अपन भंडारी बनाए लेलक। तो अब इसका आगे का जो मीनिंग हम बताते हैं कि छेरुआ कुंवर जो है ना अपना चरवाहा ठेंगा, जैसे ठेंगा कहते हैं हम लोग ना, लकड़ी बनता है, देखिए बांस का तेल पियावल डंटा रहता है, ठीक है, तो उसी को लोग रखता है, गाय गरु चराने जाता है तो साथ में रखता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग ठेंगा कहते हैं। तो छेरिया कुंवर जो था ना, वो ठेंगा मैंने चिन्ह बना के रखता था कि कैट और छगरी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ठेंगा को जब राजा एक दिन देखता है, माने लकड़ी या डंडा को देखता है, तो छेरिया कुंवर से पूछता है कि कहा है रे छुआ, तो बोलता है ठेका है, तो इसमें का चिन्ह बनाया है, तो कैठो हम लोग पास छेगरी है राजा साहेब, उसी का हम यहाँ निशान बना के रखे हैं। तो राजा उसका बात से ना बहुत खुश हुआ, उसका बुद्धि से बहुत खुश हुआ, तो अपना भंडारी बना दिया उसको, ठीक है, भंडारी मतलब कि खाना पीना ये सब सब चीज का जुगाड़ उगाड़ करके रखने वाला, उसका हिसाब पत्र रखने वाला बना दिया इसको, ठीक है। आगे बढ़े, राजा कर एक ठो बेटी रहे, राजकुमारी नहात रहे, से सौ मैल के जमा करते करते गोटे गज तैयार हो गलक। राजा कर बेटी जवान हो जाए रहे, एक दिन रानी छोड़ी राजा से कहलक, ए बाबा जे ई गज के चिन्ही सेकरे जग मैं बिहा होबू। राजा राइज राइज खबर कर देना कि जे ऊ गज के चिन्ही सेकर जग मैं बेटी कर शादी करबू। अब देखिये राजा है तो राजा की एक बेटी थी, तो बेटी जब नहाती थी ना तो अपना गतर का मैल को जमा कर करके इतना मैल जमा कर दी कि उसको पेड़ बना दी थी, ठीक है, कहानी है तो कहानी कहानी ऐसा रहेगा ना, ठीक है। तो गोटे गोटे गच तैयार हो गया, गच मतलब कि पेड़ तैयार हो गया था, ठीक है, और उसका गतर का मैल से सब मैल मतलब गंदगी जो मैल जो होता है उसी को जमा कर करके। और रानी बोलती है ना बेटी, माने कि राजवा की बेटी बोलती है रानी छोड़ी कि ए बाबा हम उसी से शादी करेंगे ना जो इस गज को चिन्हने सकेगा। तो राजा सब तरफ ढिंढोरा पिटवाता है कि जो इस पेड़ को पहचान लेगा चिन्ह लेगा उसी से हम अपना बेटी का ब्याह करवाएंगे। अब आगे है, निश्चित दिन तारीख के सभा बैठाई गला, सब कोई उस गज के चिन्ह कर कोशिश करना है, केव कहे अंबा, केव कहे कटहर, केव कहे महुआ, इतना तक कि दुनिया कर सब गज कर नाम सिराए गलक, लेकिन केव चिन्ह नहीं पारना है। राजा के बड़ा फिकिर भेलक कि आप मोर बोटी कंवारे रह जाए, के कहलक कि हो सकेला कि छेरिया कुंवर बताए सकेला। तब राजा छेरिया कुंवर के बुलाए भेजाना है, वो तो पहले हैं से जानत रहे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हम आपको मीनिंग बतला देते हैं कि निश्चित दिन तय हुआ और सब कोई आया, मतलब होता है ना स्वयंवर टाइप का हुआ कि जो ये पेड़ को चिन्हेगा भैया तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, राजा ऐसे किए। तो कोई अंबा बच गच कहता था, कोई कटहर गच कहता था, कोई महुआ गच कहता था, कोई नहीं पहचान नहीं सका। अब राजा को भी चिंता होने लग गया कि बाबा का होगा, हमारा बेटी तो कुंवारे रह जाएगी। तो लोग दरबारी लोग कुछ लोग बोला कि छेरिया कुंवर हो सकता है बता देगा, ठीक है। तो राजा छेरिया कुंवर को बुलाने भेजते हैं। अब आगे का होता है सो देखते हैं हम लोग, से रहे का गच है के, ठीक है, छेरिया कुंवर से पूछा गया कि का गच है, से ले वो बताए दिलक। अच्छा, छेरिया कुंवर को तो पहले से पता था, ठीक है, कि गतर का मैल है, तो बता दिया कि राजकुमारी कर गतर कर मैल है के। तब राजा दियो कर बिया ठाट बाट से कर दिले और तब उमन हुआ रहक लागने राजा रानी बैन के। अब छेरिया कुंवर जो था शुरू में था चरवाहा, क्वेश्चन बन सकता है, पहले क्या था चरवाहा, फिर बाद में क्या बना भंडारी, अब वहां का राजा बन गया, ठीक है। अब आगे है, हिने जब तक रुपया रहे झगरू खालक पिलक, पाछे रुपया सिराए गलक, तब वो जोगी कर भैंस धैर के गोटे खेंद्रा टांगलक और मांगे खाएक लागलक, ठीक है। तो झगरू जो बड़का भैया था उसका पैसा जब तक था तब तक ऐस मौज मस्ती किया, खाया पिया उड़ाया, खत्म हो गया तो जोगी बन गया, ठीक है। और गोटे खेंद्रा को टांग लेता था, मैंने पुटली उटली को टांग लिया कंधा में और भीख मांगने लग गया, ठीक है। एक साल अंबा बड़ा जोर पैर रहे, राजा कर बहुत बड़ा बगीचा रहे, बगीचा में पहरेदार मन लागल रहे, झगरू मांगते और खाते वह बगीचा टीन पहुंचलक और अब अंबा मन के चोर के खाएक लागलक। पहरेदार मन उके मना कर लें, अंबा के ना खा नहीं तो राजा जीते जी गढ़र भैर दे मैं। पहरेदार मन कितनो कहलें ते वो मानबे ना करे, अंसाय के सिपाही मन उके दहिर के राजा ठीन लेगलें। वो राजा और केव नहीं छेरिया कुंवर रहे, राजा अपन भाई के चीन के नहवाए धोवाए कर हुकुम अपन कारिंदा मन के दिलाए, नहवाए धोवाए के झगरू के राजा ठीन लेगल गलक, झगरुओ अपन भाई के चीन लेलक। दुयो भाई अपन अपन बात बताए के खूब कांदलें, फिर दुयो सुख से रह लागलें। तो अब इसमें क्या होता है कि अब झगरू जो है वो साधु का रूप धर के आया था,
राजा का आम बगीचा में आम खा रहा था, तो सिपाही से उसको मना किया कि भाई मत खाओ नहीं तो राजा को बता देंगे, तो मानवे ने किया। तो सिपाही लोग जो है राजा को बता दिया। अब राजा कौन था? वो छेरिया कुंवर था। छेरिया कुंवर कौन है? तो वो है मंगरू, मंगरू झगरू का भाई है। तो ठीक है, मंगरू जो है अपना भाई को पहचान लिया, तो बोला कि उसको नहवा धुला के लेके आओ। तो नहवा धोवा के जैसे आया तो झगरू अपना भाई मंगरू को जान गया, दोनों अपना अपना बातचीत को बताया, दोनों गला मिला कांदा, ठीक है, और फिर दोनों को सुख से रहने लग गया। अब आगे क्या है? एक दिन रानी नहाए गेलन, नहाए बेरा एक ठो केस झेर गेलन, ओहे बेरा एक ठो बेल, बेल ऊपरे बटले, ऊपरे बटले, ठीक है, टुपुल टुपुल बोहाते उतरत रहे। इसका मतलब हम बता दे रहे कि एक दिन रानी नहा रही थी और नहाने के समय एक ठो केस झर गया था उसका, ठीक है, और ओहे समय ठीक जो है रानी जहां पर नहा रही थी ना, तो मान लीजिए नदी तालाब में नहा रही होगी, तो उसी में बेल जो है ना टुपुल टुपुल बोहाते आ रहा था, एक ठो बेल, ठीक है, बेल जो है नहीं होता है ओपुल ओपुल के, इसे हम लोग बोलते हैं ओपुल के, टुपुल के बोहात रहा, बहते हुए आ रहा था। सके देख के रानी कहला, उसको देख के रानी बोलती है, एक माए बाप कर हके हले आओ नीरे बेल, ठीक है, अगर तुम एक माए बाप के हो रे बेल तो हमरे तरफ आओ, ठीक है। तो बेल रानी के पास पहुंच गया। सेखन रानी फिर कहला, एक माए बाप कर है कि हल जुट जानी रे बेल, ठीक है, तो बेल जुट गया, ठीक है, रानी बेल भीतरे केस राख के पानी में बुहाए दे, मतलब कि बेल को फाड़ी, ठीक है, उसमें अपना केस को डाली और फिर उसको जुटने के लिए बोली तो जुट गया और फिर उसको पानी में बुहा दी, ठीक है। अब आगे है, ओहे नदी कर हेठे बट पानी में भैंसुर हर नहात रहे। अब क्या है कि जिस नदी में रानी नहा रही थी, मतलब कि मंगरू की वाइफ जिसमें नहा रही थी, उसी के नीचे नदी में हेठे मतलब कि नीचे, हेठे बट मतलब कि नीचे तरफ पानी में भैंसुर, भैंसुर मतलब कौन, झगरू नहा रहा था। तो झगरू देख लग कि एक तो बेल बुहाते बुहाते ओकर जग पहुंचलक, वो बेल के पानी से छैन के गोटेक पखना में पटक के फोड़ दिलक, बेल दू फारा हो गेलक। तो देखा थी कि बेल कर भीतर एक तो बड़ा सुंदर केस आए जे सोना लखे चमकत है। वो केस के देख के झगरू सोचलक, बाप रे जब ये केस इतना सुंदर आए तो कितना सुंदर हो जेकर ई केस है के, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मीनिंग बता दे रहे हैं कि बेल जब मिला नीचे जो था ना नदी के नीचे भैंसुर हर नहा रहा था, तो बेल को पकड़ा पखना में पटका मतलब पत्थर में पटका, बेल को दुफाड़ा हुआ तो वहां से केस निकला तो सोना लगे चमक रहा था। तो अब झगरुआ जो है उस सोच में पड़ जाता है कि बाप रे बाप, केस एकदम सोना लगे दिख रहा है, तो केस जिसका होगा वो कितना सुंदर होगी, ये बात को सोचता है। अब आगे है, इसने सोचते सोचते वो घर पहुंच गलक, घर पहुंच के देखा थे कि ओकर भाओ है अपन केस के कोयर झाइर के खाटी में बैठ के सुखा थे। झगरू कर मन में भाव के ले के पाप समाए गलक, भाव के अपन बनाए ले जुगुत बैठाए लागलक। अब ये क्या करता है, नहा के घर जब पहुंचा ना तो देखता है कि उसकी भाव मतलब कि रानी अपना केस को कोयर झाइर के, कोयर मतलब कोयर झाइर के मतलब कि कोयर करना मतलब कि बाल झाड़ना, ठीक है, बाल को सुखा रही है, नहा रही थी तो बाल को सुखा रही थी खाटी में। अब झगरू का मन में ना भाहु को लेके क्या आ गया, पाप समा गया कि अरे भाई इससे से हमें ब्याह करेंगे, इसे सोचने लग गया। अब भाहु को अपना बनाने के लिए ना जुगुत बैठाने लग गया, ठीक है, जुगुत मतलब कि उपाय, उपाय सोचने लग गया, ठीक है, जुगुत मतलब उपाय। आगे एक दिन राम राम कर बेरा में झगरू अपन भाई से कहलक, राम राम का बेरा मतलब कि सुबह के समय, सुबह का समय को हम लोग कहते हैं राम राम कर बेरा में, ठीक है। तो राम राम के बेरा में झगरू जो है अपना भाई मंगरू से कहता है, भाई मुके तो आज शिकार खाए के मन करत है, शिकार खाए के मन करते मतलब कि मांस खाने का, मटन चिकन जो भी है वो खाने का मन कर रहा है। तो अपन भाई झगरू कर बात सुन के छेरिया कुंवर जे अब राजा बन जाए रहे कहलक, इतना इतना खसी बकरा आहे दादा, एक ठो काटा तो खाए के नहीं पारबे, तो का लिहा दिया थीस। सेखन झगरू कहलक, घरे कर छगरी बकरा काटल के नहीं रे, पहले लगे बन जाए के अपन हाथ से शिकायत कर के तब राइंद पाइट के खाए के मन करत है, ठीक है। तो राजा छेरिया कुंवर दूसर दिन गोटा राज में ढिंढोरा पिटवाई दिलक कि सब प्रजा के राजा संगे शिकार खेले जाए हुई, ठीक है। तो अपना भाई जो देखे बुद्धि लगा रहा बड़कवा, ठीक है, तो बोलता का है ना कि हमको मीट मछली खाने मतलब ये शिकार खाने का मन कर रहा है। तो छोटकवा बोलता है कि बहुत एक ठो खांसी काटेंगे तो खाने नहीं सकोगे, तो काहे हद आ रहे हो तुम। तो बड़कवा बोलता है कि नहीं तो चलो ना, पहले हम लोग शिकार करके कैसे खाते थे, वैसे ही चलो जंगल में शिकार करके खाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो ये भी छेरिया कुंवर था बेचारा सीधा आदमी,
बोला कि ठीक है। तो पूरा राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको मिलजुल के हम लोग चलेंगे शिकार खेलने। चलिए आगे बढ़े, शिकार खेले कर दिन पहुंच गलक। बहुत दिन बाद दोनों भाई शिकार खेले के लिए निकलना है। दोनों भाई हाथ में बंदूक धैर के घोड़ा में चढ़ के चलना ही बंधन है, ठीक है। वन पहुंच के सुपर ठाव देख के अड्डा बनाना है। आटा जो है ना, अड्डा हम लोग बोलते हैं ना, अड्डा बनाना है। वन में नाना बरन कर जानवर मन रहे, जे अड्डा बैठल ठाव ठीन से पार होवे लागना है। मुदा झगड़ू केको नहीं मारलक, ओकर मन में का जैन कहाँ कर शैतान समाये जाए रहे। आज वो जानवर नहीं आदमी कर, ओहो अपन सहोदर भाई कर शिकार करे आए रहे। पहना लगाए के मौका देख के भाई ऊपर गोली चलाए दिलक। भाई हर ओहे ठीन गोली खाए के ठौरे रह गेलक, ठीक है। हाय रे सोना कर केस भाई कर जान ले लेलक। झगड़ू ओहे ठीन भाई कर बेजान गतर ऊपरे आसन पते राइक के ढाँक दिलक। फिर घोड़ा ऊपरे चढ़ के घर दर चल आलक। तो इसका मतलब हम सब आपको बतला दे रहे हैं कि इन लोग जो है ना कि सुपर जगह पे अड्डा बनाया, एक ऐसा जगह अड्डा बना, आटा जो लिखा है ना इसका मतलब अड्डा, हम लोग नहीं बोलते हैं इसका डाकू लोग का अड्डा है इसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो अड्डा बनाया, वह अड्डा कैसे लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है तो पेड़ के ऊपर बैठा, ठीक है। कोई रास्ता है उसके ऊपर पेड़ है तो पेड़ के ऊपर बैठा, तो जो भी रास्ता से गुजरेगा जानवर सब तो उन लोग को दिखेगा ना, तो वही अड्डा बनाया। और झगड़ुआ जो है ना का किया ना, शिकार कोई जानवर को नहीं मारा, अपना भाई को गोली मार दिया। और भाई को जैसे गोली मारा ना, वो ठौरे रह गए। ठौरे रह गए का मतलब है ना तुरंत ही वहां पर मर गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं ठठाए गए, ठौरे रह गए, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। कि हाय रे सोना का केस भाई का जान ले लिया। अब उसका बेजान गतर को मतलब कि उसके डेड बॉडी के ऊपर पतई उतई को ढांप दिया और फिर घोड़ा चढ़ के घर के तरफ आ गया। अब आगे है, रानी सात देवड़ी पार कर कोठरी भितरे बैठे रहे एकदम मनुहाल। का जानी का लगे छेरियों कुंवर के अगम हो जाए रहे कि भाई कर जीव में पाप समाये जाए है, ठीक है। तो हम इसको ना आपको बतला देते हैं कि रानी सात देवड़ी, देवड़ी का मतलब होता है ना पहले दरवाजा बनता था ना, पहले दरवाजा बनता था ना, तो उसको अभी हम लोग का पुराना घर भी है, ऐसे उठा देवल जाता था, ठीक है। नीचे से दूरा को उठा देवल जाता था इसे, ठीक है। तो उसी को लांग के पार करता था लोग, तो उसी को देवड़ी कहते हैं, ठीक है। तो सात देवड़ी पार कर कोठरी भीतर रानी जो है ना वो बैठल थी एकदम मनुहाल, मतलब कि मसुआ के, ठीक है। मसुआ के मतलब उदास बैठी हुई थी, मनुहाल मतलब कि उदास बैठी हुई थी, ठीक है। का जानी छेरिया कुंवर, छेरिया कुंवर को ना अगम हो गया था, अगम हो गया था ना माने अंदर से जो पता चल जाता है ना भाप लेना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अगम हो जाना, अगम हो जाए रहे, मतलब कि अंदरे अंदर मन में उसका ना पता चल गया था कि ऐसा लग रहा था कि भाई का जीव में पाप समा गया, बड़का भाई जो झगड़ुआ है उसके मन में पाप है, ये बात वो सोच लिया था, ये समझ गया था, ठीक है। वो जबरे बन ले जाते का जानी घुने पार घूरे पारबू कि नहीं, मतलब कि वो बड़कवा जो है जबरदस्ती घर ले जा रहा है, मन जंगल ले जा रहा है, तो हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये छोटकवा जो है छेरिया कुंवर जो है वो पहले से जान चुका था। तो आगे है, से सोच के वो रानी के एक दोना दूध और एक दोना पानी राख के देखते रहे कहलक और कह राखलक कि अगर दोना कर दूध लहू बरन और पानी कर दूध, पानी जो है ना वो दूध बरन हो जाए तो बुझबे कि मोए आप ये दुनिया में नखो तो मोर आसरा ना कर दे। और इसने होला रानी बुझ गेला कि अब ओकर राजा ये दुनिया में नखे। तो देखिए जब वो छेरिया कुंवर जो है ना वो जान गया था कि उसका बड़का भाई जो है ना वो जंगल में मार देगा, तो इसीलिए रानी को पहले ही बोल दिया था कि देखो दूध का रंग, ठीक है, दूध का रंग रंग जो है ना वो लहू के जैसा हो जाएगा, कि अगर दोना कर दूध लहू जैसा अगर हो जाता है, ठीक है, और जो पानी रखे हैं वो दूध जैसा होता है, तुम समझ लेना कि हम मर चुके हैं। तो यही हुआ और रानी समझ गई कि अभी दुनिया में उसका पति नहीं है। अब आगे है कि अब झगड़ू महल में पहुंच के रानी के हकाए लागल। देखिए ये सब चीज़ ना हम लोग पहले से सुने हुए हैं, तो देखिए हम लोगों में यही है, इसी को ना कहते हैं लोक कथा। हम अपने दादा नाना नानी लोग से सुने, भौजी लोग से सुने, आप लोग के सामने रख रहे हैं, तो इसने उन लोग भी करती थी जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं सुना रहे हैं। उसके बाद ना हमारा भौजी सुनाई थी तो गाने भी गाने लगती थी, ठीक है, कि खोलू से खोलू रानी बजरा के वरिया हो राम, ऐसे करके गाना गाती थी, ठीक है।
हाय राम हमे रानी भूकल पिया सलो राम, ऐसे करके झगड़ू बोल रहा है महल में पहुंच के। तो रानी भीतरे से जवाब देला कि भाई सुर कर बोली बानी दोसर बोझावल हो राम, नहीं हाय राम संयक कर बोली लागल सोहान हो राम सुहावन हो राम। माने संयक का बोली हम लोग को सुहाना लगता है, ठीक है, ये भैंसर का दूसर बोली है, अपना आदमी का बोली नहीं है। तो अपना आदमी नहीं है तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ये बात को बोलती है रानी। तो रानी का जवाब सुन के भैंसुर हर जोर से दुरा के लथियाए दलक, तो कवायर हड़प ले उघेर गलक। अब वो नहीं खोलने खोज रही तो लथिया के खोल दिया दरवाजा को। दूसरा टोरा ठीन भी पहुंच के वही बात बोलता है, ठीक है खोलिए दरवाजा खोलो वही। तो रानी भी वही जवाब देती है कि नहीं भाई तुम भैंसुर है, हम तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो फिर दूसरा दूरा पहुंच के भी लथियाया और वो भी खुल गया। रानी भीतरे से उसन जवाब देलक, एह लखे सातों दूरा पायर करके भैंसुर जो है ना झगड़ू अपना भाव यानी कि रानी ठीन पहुंच जाता है। ठीक है अब आगे है, भैंसुर के देख के रानी कहलक रावरे अपन खीस कोप के दूर करूं, अब मोर के है ठीक है मोय अब रावरे ठीन रहूं, चलू हमरे राउर भाई कर गति मुक्ति कर आवब, से खान ले भैर मुके रावरे ना छुअब, पाछे तो मोय रावरे जुन होबू। देखिए इसी को कहते हैं पतिव्रता नारी, ठीक है तो समझ गई है कि मेरा पति मर चुका है और भैंसुरे उसका जान लिया है, ठीक है। तो भैंसुर को बोलती क्या है ना कि देखिए अब तो हम आप ही के हो जाएंगे, ठीक है तो आप एक काम कीजिए अभी हमको छुइए मत, चलिए जो मर गया है ना उसका चलिए मुक्ति उसका श्राद्ध कर देते हैं, उसका गति मुक्ति कर देते हैं, ठीक है और उसके बाद फिर हम आपका हो जाएंगे, ऐसे करके बोलती है रानी। अब आगे भैंसुर हर रानी कर बात के मान लेलक, रानी खातिर पार्की पालकी हेरल गेलक, ठीक है इसमें क्या बोला जा रहा है, रानी के लिए पालकी बनाया गया, हेरल गेलक ऐसा ही बोला जाता है हम लोग में, भात हेर दे रहे तियन हेर दे रहे, हेरल गेलक मतलब कि सजाया गया बनाया गया, ठीक है। और बोहैया कहार मन आलाय, बोहैया जो होता है ना आप लोग पहले गाना एक सुने मना चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई, है ना। तो वही बोहैया मन को कहार लोग होता था जो डोली भरिया को बोहता था, तो उन लोग भी आ गया। अब झगड़ू जो है घोड़ा पर सवार हो गया और ऊ मन संगे संगे राजा कर कारिंदा मन भी चलना है, माने राजा का आदमी लोग भी अपना चला, जो कारिंदा है उसका कारिंदा के मन में बहुत सारे लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, गवैया बजवैया लोग होता है, पंडित लोग होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसी को कारिंदा कहते हैं, ठीक है। सब उठाव में पहुंच गए जोन ठाव में छेरिया कुंवर राजा कर लाश पड़ल रहे, चिता सजाल गेलक। रानी कहलक एक धाव मुके रावर भाई कर मुड़ के अपन कोरा में लेके बैठक देव, तले पाछे तो रावरे हबू, और वो इसने करलक। रानी जो बोलती है ना इन लोग कारिंदा लेके तो पहुंच गया जहां पर उसका डेड बॉडी उसका लाश पड़ा हुआ है छेरिया कुंवर का। तो रानी बोलती है अपना भैंसुर से कि काम कीजिए ना इसका सिर को मेरा गोद में लेने दीजिए, उसके बाद तो हम आपका हुए जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा ही किया, रानी राजा कर मुड़ के कोरा में रख के बिलख बिलख के कांधे के लागला, ठीक है। ओकर कंदाई सुन के धरती से आकाश तक बिलख उठलक, मतलब जोर जोर से, अरे किसी का पति जिसे बहुत प्यार करती है वो मर गया है, उसको धोखा से कोई मार दिया है, तो उसको अपना गोदी में रख के एकदम फुट फुट के रोने लग गई। अब उसका रोने का देख के जो आसपास का वातावरण था ना धरती आकाश वो सब भी होता है ना माहौल एकदम रोने लायक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें झगड़ू की याद होलक कि वो तो आग अनुभावे नहीं कर रहे, तब कारिंदा मन के महल भेजलक आग लाने। तब रानी, ठीक है रानी सबक के कहलक देखू तो भला आज राजा छेरिया कुंवर के पोड़े देखे के ले दिने में चांद तनिंगन सब उग जाए हैं, सब कोई आकाश के देखे के लागल है। सहे बेरा नानी कहलक हे धरती आकाश पताल चांद तरिंगन और देवी देवता गण, अगर मैं सच में छेरिया कुंवर कर पवित्र जनाना हो तो आप रूपी आग लगाए लाइक जाओ, तो ऊपरे देखे लागल है। रानी अपन संगे लागल है मरचाई गुड़ी के सबक ऊपर फेंक देना, सब आंख मिसाई लागल है, हिने चिता अपने आप दधई उठलक और रानी सती हो गेलक। सोना कर केस जे भाई जान मरवाए दिलक, रानी संगे पुड़ गेलक, झगड़ू कर हाथ कोनो नहीं आलक, ओकर आगे में रहे छूछा राख,
ना रानी रहे ना सोना कर केस, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधुर हो गया है, तो ना सोना कर केस यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ का मीनिंग बस यही है कि रानी बोलती है सबको कि देखो भाई आज देखो तरिंगन चांद तारा ना दिने में निकल आया है, काहे काहे कि छेरिया कुंवर की मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद फिर रानी क्या बोलती है ना कि देखो आकाश पताल पृथ्वी तरिंगन देवी देवतागण, अगर हम पवित्र नारी हैं, पवित्रता अगर हमरा में है, अगर हम छेरिया कुंवर का पवित्र जनाना है, तो अपने आप चिता में आग लग जाओ, ठीक है। और देखिए सब बोल, जब रानी जब बोलती है ना कि देखो भाई दिने में तरिंगन ही सब दिख रहा है, तो सबके ऊपर देखने लगता है, वह समय मरचाई गुड़ी लेके आई थी सबको छिट दी, तो सबका आंख परपराने लग गया, ठीक है। और वह समय ये विनती करती है देवी देवतागण से कि देखिए चिता में अपने आप आग लग जाओ, तो चिता में अपने आप आग लग जाता है, तो वही चिता में बैठ के वो अपना जान दे देती है, तो जान दे देती है तो जल के राख हो जाती है। अब जो ये भैंसुर जो था उसको ना ही रानी मिलती है और ना ही सोना का केस मिलता है। तो यही है कहानी, ठीक है। इस तरह का कहानी हम लोगों को सुनाया जाता था पवित्रता के बारे में, प्रेम के बारे में, कि देखिए पति पत्नी का प्रेम कितना अच्छा होता है, ठीक है। कोई धोखेबाज अगर धोखा भी दिया है तो प्रेम जो होता है वो हमेशा अमर रहता है। नागपुरिया समाज में ना प्रेम को सर्वोपरि दिया गया है, प्रेम ही है जो आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी देखिए, ये है सोना कर केस कहानी, उसका भावार्थ आपको बताया गया। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम गोल किए हैं या अंडरलाइन किए हैं, और इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।